सो दोस्तों अभी हम लोग मिलके एक्सप्लोर कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल स्पिति वैली, और जहाँ पे आपने अभी तक देखा यहाँ का फेमस धनकर मॉनेस्ट्री, और साथ साथ में हमने आपको दिखाया यहाँ के 6 प्लेसेस में से फर्स्ट 2 प्लेसेस जिसमें आता है खिब्बर विलेज और छिछिम ब्रिज। तो दोस्तों आपको अभी तक की सीरीज कैसे लग रही है हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे आप ऐसी सीरीज के साथ बने रहिए क्योंकि हम और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग प्लेस आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है यहाँ की खे मॉनेस्ट्री। सो गाइस ये एक ऐसी मॉनेस्ट्री है जहाँ पे आज भी काफी सारे मॉन्क्स रहते हैं, और ये इन मॉन्क्स का इंस्टीट्यूशनल हब भी है। यहाँ पे दूर दूर से मॉन्क्स आते हैं और यहाँ पर ये बुद्धिस्ट कल्चर को समझने और पढ़ने के लिए इस मॉनेस्ट्री में रहते हैं। ये मॉनेस्ट्री समवॉट 3 से 4 डिकेड पुरानी है, और यहाँ पर दलाई लामा जी भी बहुत बार आके विजिट करते हैं। ये 13,688 फीट अबव द सी लेवल है, और इस जगह पे आपको बहुत ही सुंदर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और एंशिएंट बुद्धिज्म कल्चर की बुक्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं साथ में इस ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री का, और देखते हैं इस मॉनेस्ट्री से स्पिति वैली का पूरा सीन। सो हे गाइस, हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ स्पिति सीरीज। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कैसे हमने किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट को पूरा एक्सप्लोर करा, और कैसे हम किन्नौर से स्पिति पहुँचे विद द हेल्प ऑफ HRTC, और HRTC कोलैबोरेशन से हमने बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाई। तो अब हम लोग स्पिति वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक टैक्सी हायर करी है जिसका कॉस्ट है 4,000 से 5,000 रुपीस, और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं 6 प्लेसेस में से 3rd प्लेस पे। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा यहाँ पे 6 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस जो कि था खिब्बर गांव, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गांव है, और साथ में आपने देखा छिछिम ब्रिज। तो ये जो दोनों के दोनों जो टूरिस्ट स्पॉट है इसका हमने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं के मॉनेस्ट्री में, ये हमारा 3rd स्टॉप है फ्रॉम दी 6 प्लेसेस, और अभी हम के मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये के विलेज में पड़ता है, और वैसे के नहीं, इसको खे बोला जाता है, खे मॉनेस्ट्री, और यहाँ पर लामा लोग भी रहते हैं, यहाँ पर भी वही सुबह या शाम वही चांस करे जाते हैं। बट द पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है स्पिति की, और साथ में यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है और काफ़ी कलरफुल है जो कि आपको दूर से देखने में आपको दिख जाएगी। यहीं पर ही खे मॉनेस्ट्री के पास में ही आपको खिब्बर गाँव और छिछिम ब्रिज भी दिखता है, और यहाँ से भी मनाली का एक रूट निकलता है। लेकिन अभी हम लोग अपना ये खे मॉनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं खे मॉनेस्ट्री को, दिखाते हैं आपको कितनी सुंदर है ये मॉनेस्ट्री। क्या व्यूज है यार यहाँ के, वो कैसा लगा सीन? सीन तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे उधर तो यहाँ गांव वालों ने अपनी खेती बाड़ी कर रखी है, तो यहाँ पे इनके खेत इतनी सुंदर हरियाली है, और यहाँ पे नदी के किनारे ही खेत बना रखे हैं। तो आप घर कब ले? घर ही ले लें इसी जगह में, इधर इतने सुनसान जगह नहीं लेना, इतना नहीं जी हमें सुनसान, लेकिन अगर देखिए लकड़ी कितनी सुंदर लकड़ी, और उसी के ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी, फूलों की माला बनी, मछली है, ये देखो कुंडा है, शंख। ये खे मॉनेस्ट्री
काजा से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि खे विलेज में पड़ता है। यहाँ से आप स्पिति रिवर और स्पिति वैली का पूरा सीन देख सकते हैं। इस जगह पे जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको इस मॉनेस्ट्री के बारे में सब कुछ देखने और पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि ये 14th सेंचुरी में बनी हुई मॉनेस्ट्री है, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना धर्म चक्र है और यहाँ पर प्रेयर हॉल है। साथ साथ यहाँ पर बुद्धिज्म कल्चर की टीचिंग्स भी करी जाती है। और ये है यहाँ का मेन मॉनेस्ट्री का मंदिर। इस मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत ही पुराना और बड़ा एक धर्म चक्र है, जहाँ पे अभी हम लोग उस धर्म चक्र की परिक्रमा कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इस धर्म चक्र की एक बार परिक्रमा जरूर करते हैं, और उसके बाद फिर वो इस जगह में अंदर जाकर उस चक्र के दर्शन करते हैं। जो हमारे लोगों के दिमाग में बहुत बार आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बुद्धिज्म, कि हम क्या क्या चीज डू और डोंट्स होते हैं एज अ बुद्धिज्म प्रैक्टिस में, जब आप लोग दीक्षा लेते हैं तो आप क्या क्या चीज आपको अवॉइड करनी पड़ती है, क्या क्या चीज आप कर सकते हो, और आपका लाइफ स्टाइल क्या होता है? हमारे लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सादी जीवन होती है। हमें जैसे ये आज के जो एक दौर चले हुए हैं उसमें हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस करने को मिलते हैं, जैसे सभी लोग मटेरियल थिंग्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जो एक इशू है वो अंदर से मजबूत होना चाहते हैं, जबकि लोगों को लगता है कि जो चीज़ें हमें आसान से मिल रही है उसलिए हमें अंदरूनी ताकत की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। और अभी जो आपने जो कुछ त्यागने की जो एक शिक्षा जैसे हमें वो बताई थी, वो जैसे हम जात के बारे में वो करते हैं, बात करते हैं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, छोटे बड़े, इन चीज़ों का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी को एक समान अवस्था में लेके आगे बढ़ना होता है। और जैसे कि नशीले पदार्थ उसका सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते, मैरिट नहीं कर सकते, है ना, झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते, और जैसे कि किसी की हम हत्या नहीं कर सकते, है ना, हत्या करना तो हम मन में सोच नहीं सकते हम वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोच भी नहीं सकते, तो इस तरह की चीज़ें उन सबको त्यागना होता है। नॉन वेज सेवन करने वाले भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 100% में से 90% बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, 10% जो है वो लेना पड़े उनका आहार। हर इंसान का जो है एक बॉडी ना एक समान नहीं होता है, कईयों को ये जो सेवन करके वो अपने लाइफ को आगे स्वाइप कर पाते हैं, इस वजह से खाने वाले होते हैं। पर मंदिर के अंदर बिल्कुल कुछ भी वो नहीं है, अलाउड नहीं है। अगर जिनको सेवन करना है तो वो बाहर जाके कर सकते हैं। ठीक है। और लामा जी एक चीज़ पूछना है, जैसे आपने अभी जैसे जिक्र किया कि शादी नहीं कर सकते, तो हमने कुछ लोगों को देखा है कुछ लोग कि कुछ सर्टेन एज के बाद वो लोग शादी करते हैं, या नॉर्मल रेगुलर जैसे होता है ग्रस्त जीवन में आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसा टाइम होता है, या वो उनकी प्रैक्टिसेस कैसी होती है टूवर्ड्स बुद्धि? देखो ना, अच्छे काम करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे जो एक ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो हमें उस जब जगह पहुँचते हमें दूसरा कोई रास्ते नहीं होते हैं। जैसे मंक साप्तिक रूप होते हैं जो भिक्षु छोड़ के सांसारिक जीवन में जाते हैं, वो भी ऐसा मेरे ख्याल से खुशी खुशी हो रहे तो बिल्कुल नहीं जाते होंगे। तो एक प्रोसेस ये होता है कि जब हम दीक्षा लेते हैं, है ना, तो वो दीक्षा बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही पवित्र होली होते हैं, हम उसको ऐसे ही अपनी तरह नहीं कर सकते। अगर हमको सांसारिक में जाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दीक्षा जिस गुरु से हमें ली है उनको री ऑफर करेंगे रिचुअल के माध्यम से, तब जाके हम जैसे सांसारिक जीवन में जा सकते हैं, जाने वाले। तो राम जी, और इसकी मॉनेस्ट्री में जिसमें अभी हम खड़े हैं इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, इसका पीछे क्या बिलीव है, और साथ साथ में हमें ये भी बताइए कि पूरे लाहौल स्पीति में कौन कौन सी मेजर मॉनेस्ट्रीज हैं जो बुद्धिज्म के लिए प्रायोरिटी है। हालांकि देखो सब भी मॉनेस्ट्रीज इक्वल है, बट मेरे जैसे आपकी एंशियंट पुरानी है उससे पीछे कोई कनेक्ट हो की मॉनेस्ट्री अगर बात करते हैं, हम इसको प्राचीन मंदिर बोल सकते हैं, प्राचीन मॉनेस्ट्री बोल सकते हैं, बहुत ही पुराने। जैसे की मॉनेस्ट्री के तीन अलग अलग पार्ट देखेंगे आप, हर एक टेम्पल के नाम है अपना एक मान्यता है, जैसे मणिलखन इसके अंदर जो भीड़ रखी है अंदर, बाद में जब दर्शन करने जाएंगे
तो दीवारों में जो पेंटिंग्स है, जो स्टोन, जो मूर्तियाँ जो है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे उसी दौर की ही है, बहुत पुराने। और उसके बाद आप गुमटुक खांग जाएंगे, जैसे कि गुमटुक खांग मेडिसिन रूम्स, और जो उसके बाद नाखू कुसुम जो कि हमारे कुल देवी देवताओं के जो एक स्थान है, वहाँ जाएंगे। ये तीनों सबसे पुराने वाले हैं, क्योंकि ये जो कुल जो दो माला है ये 14th सेंचुरी की में बनाया गया है, जबकि ये 11th सेंचुरी में कहीं और थे। रंगरिक विलेज जो कि हम वहाँ पार देख सकते हैं, जो बड़ा सा गाँव कादर से आगे आके ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ भी गाँव आते हैं, वहाँ हुआ करते थे। उस दौर में काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, होते थे 9th, 10th और 11th सेंचुरी में। फिर वहाँ आक्रमण हुए थे, वो डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर यहाँ शिफ्ट किया गया था 14th सेंचुरी में। तब से ऐसे ही होगा 14th सेंचुरी के बाद। अभी जहाँ प्रेयर चल रहा है, ये न्यू प्रेयर हॉल के नाम से जानते हैं, जबकि इसको बने हुए वैसे तो 23-25 ईयर हो चुके हैं, पर जब इसका उद्घाटन हुआ तब से गिना जाता है 21 ईयर्स हो रहे हैं। तो ये तीन अलग अलग स्थिति में और कौन कौन से मेजर सारे हैं, जैसे हमारे बुद्धिज्म में चार सेक्ट आते हैं, ये लोग न्यूमर करके साक्या। तो स्पीति में जो डंकर मोनेस्ट्री है, ताबो है और की मोनेस्ट्री है, वो गिलुक के सेक्ट में आते हैं, और जो काजा में जो मोनेस्ट्री है वो साक्या के सेक्ट में आते हैं, और पिनविली में एक मंदिर है पूरी, वो आते हैं न्यूमर के उसमें आते हैं, है ना। तो ये जो आपने चार सेक्टर बताए वो डिपेंड ऑन कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ के पीछे, मेरे ख्याल से उसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। पढ़ाई में जो टीचिंग्स गौतम बुद्ध जी ने हमें दिए उसी पर अमल करना चाहिए। और हाँ, जब टीचर आते हैं तो टीचर हर टीचर का एक एक उनका तो आप देख सकते हैं कि लामा जी, जितने भी लामा जी हैं जो भिक्षा या एजुकेशन करने आए हैं, यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और भाई ये देखना ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि एजुकेशन के साथ भी फन एक्टिविटी और हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए ये लोग गेम्स भी कर रहे हैं, ये लोग गेम्स भी खेल रहे हैं। यहाँ पर के मोनेस्ट्री की एक और खास बात है कि जितना पुरानी है मोनेस्ट्री उतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखते हैं स्पीति में, और साथ में ये एक तरह का एजुकेशन सेंटर है ऑफ ऑल द बुद्धिज्म जो प्रीच करने के लिए आते हैं, जो भी लोग लामा बनने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर है, और ये लोग अपनी लामा की या फिर अपनी बुद्धिज्म कल्चर की एजुकेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ये स्कूल है पीछे, यहाँ पर भी प्रॉपरली 10, 12, BA, MA ये सारे स्कॉलर्स ये लोग बनते हैं। और साथ साथ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इनकी पूरी फन एक्टिविटीज़ भी चलती रहती है। जैसे आप देखिए पीछे वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे, और साथ में यहाँ पर ही जितने भी लामा लोग हैं यहाँ पे इनके टाइम टू टाइम इनके प्रेयर्स के टाइम्स होते हैं, इनके टीचर्स आते हैं जो कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉट इवन जस्ट बुद्धिज़्म बट ऑल्सो जनरल एजुकेशन एज वेल, जैसे कि इनको इंग्लिश थोड़ी पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा इनको संस्कृत का भी ध्यान होता है, कुछ कुछ चीज़ें इनको जिस जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई जाती है। और तभी आप देखेंगे जितने भी ये लोग लामा लोग होते हैं ये वेल एजुकेटेड भी होते हैं। और बाद में फिर इसके बाद मैंने जो अपने ले में भी हमने पूछा था कि 10, 12 स्कॉलर्स बनके इनके पास चॉइस होती है कि वेदर दे वांट टू परस्यू द लामा और या फिर इनको फिर अपनी नॉर्मल गृहस्थी में जाना है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये प्रॉपर इनके एजुकेशन के साथ साथ इनके यहाँ पे टीचिंग्स हो रही है, और यहाँ पे 300 से ज़्यादा मॉन्क्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक तरह का हब है, एक सेंटर है ऑल द बुद्धिज्म कल्चर एंड द नॉलेज। तो यहाँ बहुत सारे बाइकर्स भी है जो यहाँ आते हैं, और आप देख सकते हैं लाइन से बाइकर्स लगे हैं जो यहाँ आते हैं, और ये काफ़ी अच्छा बड़ा और टूरिस्ट स्पॉट भी है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आज आपने देखा हमारे साथ खे मोनेस्ट्री, और ये खे मोनेस्ट्री स्पीति के अंदर ही है। और दोस्तों, अगर खे मोनेस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है, और जो व्यू है इसका वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा ये जो व्यू आ रहा है अपना स्पीति वैली का, काफ़ी अमेजिंग है। दोस्तों, यहाँ पे खे मोनेस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा स्पिनिंग व्हील है, और जितने भी यहाँ पे पेंटिंग्स और यहाँ पे थांकास बनाए गए हैं वो काफ़ी साल पुराने हैं,
जब से यहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो अगर आपको मतलब ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री में विजिट करना है तो वो है खे मॉनेस्ट्री। अगर आपको कुछ और बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में जानना है तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट आर थांगका पेंटिंग ब्लॉग, जहाँ पे मेरे को खुद थांगका पेंटर ने बताया था कि कैसे कैसे करके बुद्धिस्ट कल्चर में चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है और कितनी कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे बुद्धिज्म में। तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी होगा। तो दोस्तों दिस इज इट फॉर दिस ब्लॉग, और अब हम आपको दिखाएंगे ये हमारे तीन प्लेसेस हो गए 6 places में से। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे यहाँ के 6 places में से और भी फेमस प्लेसेस जो कि आप यहाँ पे स्पीति में आके विजिट कर सकते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट इन द कमेंट, और कमेंट में जुड़े लिखना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे जुड़े को हेलो हाई नमस्ते या किसी को ग्रीट करते हुए जुड़े लिखा जाता है। तो डेफिनेटली यू कैन राइट जुड़े इन द कमेंट एंड वी कैन एक्सेप्ट योर जुड़े एज वेल, और जुड़े बोलते हैं अगर कोई जुड़े बोलते तो बोलते और जुड़े। सो और जुड़े टू ऑल ऑफ यू, एंड अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक और प्लेस दिखाएंगे स्पीति की। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। सो दोस्तों आपको ये हमारी पूरी सीरीज कैसे लग रही है आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम नोटिस करते हैं कि हमारे ब्लॉग काफ़ी सारे लोग देखते हैं बट सब लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते हैं, और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आप एक यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर एक ब्लॉग की फ्रॉम द स्पीति सीरीज के एक रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और दिखाएंगे 6 places में से एक और न्यू और इंटरेस्टिंग प्लेस। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार।